मदरसा ई सैयदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन कोरोना राहत कार्य के तहत हर रोज खाद्य पदार्थों का वितरण कर रहा है। जैसा आप सब जानते हैं कि कोविड-19 का जो मसला सारी दुनिया में वबा उठी है, अल्लाह का फजलो करम है कि कर्नाटक में ये सबकी ताउन से माशाल्लाह इसका कंट्रोल एक हद तक कंट्रोल है। बाहर दुनिया में जैसा वो वबा उठी है उस तरह से नहीं है, अल्लाह का फजलो करम है और सब लोगों ने इसको कोऑपरेट किया है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग और कोऑपरेट करें, सब घरों में रहें, उतना ही कोऑपरेशन है, सब घरों पे रहें। गवर्नमेंट काफ़ी इंतजाम किए हैं सबके लिए और हम जैसे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका ज़िम्मा उठाए हैं सबकी भलाई के लिए। और अब तक 25,000 का किट्स का हमने लोगों को पहुंचाने का ज़िम्मा लिया था, कल तक हमने इसको पूरा कर चुके हैं। और क्योंकि काफ़ी जगह पे और लोग फ़ोन कर रहे हैं, कई जगह पे और दिक्कतें आ रही हैं, हमने और 20,000 किट्स बनाने का ज़िम्मा उठाया है। इंशाल्लाह आज से वो शुरू होगा, अगले 4-5 दिन में हम वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। इतने भी ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरी है आप फ़ोन करें, आपके मसाजिद है या मदरसे है जहाँ पे आप गंजी बना के रोज़दार को देना चाह रहे हैं, आप सिर्फ सैयदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन को फ़ोन कीजिए, आपके एक महीने का जितना भी आपकी ज़रूरी है वो आपके घर तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, आपके मदरसे या मसाजिद जहाँ पे भी बनती है, या अगर कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह से पका के अगर लोगों को खिलाना चाह रहे हैं, गंजी देना चाह रहे हैं, हमारे पास 2 ट्रक लोड्स के रईस अवेलेबल है। गंजी बनाने की जो स्पेशल रईस आती है ब्रोकन रईस, सोना ब्रोकन रईस, वो अवेलेबल है माशाल्लाह, जो मैंने अंदर पूरे एक बना के रखा है और मदरसे में एक ट्रक लोड मैंने है ना डंप करके रखा है। लॉकडाउन से इमीडिएट तुरंत दूसरे दिन से हमने खाने का इंतज़ाम किए थे, उसके एक हफ्ते बाद से हमने शुरू किए हैं ये किट्स देने का, क्योंकि हर दिन हर जगह पे 2,000-3,000 खाना पहुंचाना बहुत मुश्किल है, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। उसको कम करने के लिए मैं सोचा कि अगर किट ही पहुँचा दें 10-15 दिन तक उनकी इंशाल्लाह मुश्किलें दूर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसके साथ शायद गवर्नमेंट का भी काफ़ी ताउन रहा है लोगों के लिए, इससे माशाल्लाह लोगों की है ना मुश्किलें बहुत कम हो गई, और क्योंकि लोग इसको कोऑपरेट कर रहे हैं, कोविड केसेस भी माशाल्लाह दूसरे बाहर फॉरेन कंट्रीज जैसा नहीं है, अल्लाह का फजल है। आप सब कोऑपरेट कीजिए, घर में नमाज़ें पढ़िए, इबादत कीजिए, घर में रहिए, घूम फिरना बंद कीजिए, और क्योंकि रमज़ान आ गया काफ़ी लोग शॉपिंग ये वो सोच रहे हैं, आप शॉपिंग के बिना रह सकते हैं, जो भी अल्लाह ने दिया है उसको पे नोड़ के इंशाल्लाह इस रमज़ान को गुजारिए इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेशन को आपको बहुत मदद मिलेगी इससे, और एडमिनिस्ट्रेशन एक मैसेज जाएगा कि आपकी कोऑपरेशन भरपूर रही माशाल्लाह अब तक, इसके बाद भी आप इसी तरह रमज़ान में भी इसी तरह आप रहिए इंशाल्लाह। आप तमाम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि एक इंसानियत की खिदमत के लिए इसको क़ायम किया गया है। आज दौर ऐसा आ गया है, आप तमाम जानते हैं कोरोना जैसी भयानक बीमारी सारी दुनिया में फैल गई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए सैयदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो है इंसानियत के खातिर, ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई, सब के लिए हमने हमारे चेयरमैन अल्लाह जती खामद साहेब इनकी सरपरस्ती में, हमारा इरादा तो ऐसा था कि हम सारे कर्नाटक में इस अनाज की किट्स को अब तक जो है 25,000 अनाज की किट तकसीम कर चुके हैं, अभी आज से जो है और 20,000 किट्स तैयार होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 दिन में इन तमाम 20,000 किट्स को तकसीम कर जाएंगे। तो हमारा इरादा था कि सारे कर्नाटक में हम इन किट्टों को जहाँ तक गरीब गुरबा ही वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करने का इरादा था, मगर हालात ऐसे ही आप तमाम जानते हैं कि बेंगलुरु छोड़कर हम बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हमने तय किया है कि सारे बेंगलुरु शहर में, बेंगलुरु के कोने कोने में जहाँ भी गरीब गुरबा ही, सैयदा जैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद यही है कि कोई भी ऐसी हालत में कोई भी भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, यही हमारी एक इरादा है जी। हमने यलंका, बेल्लली, केआरपुर, सुभाष नगर,
शिवाजी नगर के मकान रोड एंटायर ईस्ट डिवीजन में हमने तकसीम कर चुके हैं। सेंट्रल डिवीजन, ईस्ट डिवीजन में बनचंगरी, जेपी नगर, इन तमाम को कवर चुके हैं। आज जो है केआरपुर जाने का है, सुभाष नगर जाने का है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने का है, होस्कोटे को जाने का है, जहाँ हमने रोजाना रात में 10, 11, 12 बजे तक हमारे चेयरमैन के साथ बैठ के मीटिंग चलती है कि कल कहाँ जाना है, कहाँ से डिमांड आया है। इस तरह की प्लानिंग करके हम बेंगलुरु के कोने कोने में पहुँचा रहे हैं। जैसी के रमज़ान शरीफ आ रहा है माशाल्लाह, ऐसी हालत में भी इंशाल्लाह हम जो है, जो जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया, ये गंजी का मामला है ना, जो भी इस मीडिया से मैं आपको ऐलान करना चाहता हूँ, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से, जो भी हजरात शहर बेंगलुरु में गंजी बनाना चाहते हैं, आपके लिए चावल का इंतज़ाम है हमारे सैयदा ज़ैनब से, आप फाउंडेशन से आप राबिता। इंशाल्लाह हालात थोड़ा, क्योंकि जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि रायचूर में उधर से आने के लिए दिक्कतें शुरू हो रही हैं, वहाँ से अनाज लाने के लिए दिक्कत हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि ये तकलीफ़ें, ये दिक्कतें आसान हो जाए और हमें, हम इंसानियत की और बहुत बढ़ चढ़कर उनकी खिदमत कर सकें।